लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते क्या आएगा, साइन जीरो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, अपॉन जीरो आ जाएगा, मतलब क्या आ गया जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट। तो हमें इसको कहना हो फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स कैन बी रिटन एज टू टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया। सो लिमिट x tends to 0 we 2 times sin x common liya kya aayega 1 minus cos x upon x cube। abhi bhi limit put karne ki position mein nahi hai hum log। dusri cheez idhar x cube dikh raha hai to hame standard ki yaad agar aati hai sin x upon x isme se ek x isko de ke aayega lekin fir bhi square bachega तो क्यों ना फिर इसको ऐसा कुछ साइन के फॉर्म में लाया जाए। अब साइन के फॉर्म में लाने के लिए हमें याद है कि साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैं एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप ले रहा हूँ, 2 टाइम्स साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रही क्या बात? इससे क्या फायदा होगा विल अंडरस्टैंड। लिमिट x tends to 0 2 times sin x a plus b a minus b 1 minus cos a plus b a minus b a square minus b square upon x cube 1 plus cos x। So it is limit x tends to 0 2 times sin x 1 minus cos square is sin square x upon x cube 1 plus cos x। So limit x tends to 0 2 times sin cube x upon x cube, देखो इसको मैं अलग से ले रहा हूं, into इसमें हम डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं क्योंकि cos 0 हुआ नहीं और ये स्टैंडर्ड की तरफ आ गए हैं, मतलब आगे हम लोग इसको 2 बाहर ले लिया हमने कांस्टेंट है। लिमिट x tends to 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का क्यूब इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स आ गया है, तो ये तो हो गया वन और ये कॉस जीरो, इधर लिमिट पुट करो कॉस जीरो वन है तो वन बाय टू आ जाएगा। यस डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो ये टू इंटू वन क्यूब इंटू वन बाय टू, तो फाइनल आंसर आ गया वन। समझ में आ गया? ये सब में डिग्री दिया होता, इधर डिग्री इधर भी डिग्री ये भी डिग्री, क्या करना पड़ता था? डिग्री टू रेडियन हमने कल देखा ना एक एग्जाम, बाकी सब सेम ही होगा लेकिन वो पाई बाय 180 वाला फैक्टर आ जाएगा जगह जगह पे, बराबर आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये आप होमवर्क में करना है, क्या करना है समझ में आएगा, मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इधर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा पाई एक्स अपॉन 180, इधर भी पाई एक्स अपॉन 180, इधर भी पाई एक्स अपॉन 180 और इधर भी पाई एक्स अपॉन 180 फिर पाई एक्स अपॉन 180 टेंस टू, तो फिर इस तरह फिर आप चाहे तो पाई एक्स अपॉन 180 को y मान लेना। समझ में आया? मतलब ये y टेंड्स टू 0 y y और पाई एक्स अपॉन 180 इज y। इधर क्यूब है सम, क्या दिया वो चेक करो पहले, वर्क सम भी दे रखा है, ये तो समझ गए आपको कैसे जाना है, लेकिन बुक में एक सम ऐसा दिया है यहाँ डिग्री नहीं दिया है, ऊपर डिग्री दिया है नीचे रेडियन में दे रखा है, तो अभी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये अलग एंगल होगा, अगर ये नीचे सिर्फ एक्स क्यूब दे रखा है डिग्री नहीं लिखा है तो एडजस्टमेंट इधर नहीं होगी इधर भी नहीं होगी,
समझ में आ रही बात आपको, सिर्फ इधर एडजस्टमेंट होगी, फिर नीचे पाई एक्स पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा फिर एडजस्टमेंट के लिए। समझ में आ रहा आपको, बात समझ में आ रही क्या? ये एक्स ही है, ये डिग्री है, दोनों डिग्री, ये डिग्री नहीं है, तो ऊपर पाई एक्स बाय 180 हो जाएगा, पाई एक्स बाय नीचे एज इट इज एक्स रहेगा। फिर ऐसा करते करते ये एक्स क्यूब है, ये भी x है, ये y है, y मान लो ये वही है पाई एक्स बाय 180, ये भी आपका क्या है पाई एक्स बाय 180। समझ में आ रहा है? फिर नीचे ऊपर क्या करेंगे हम, पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180, ठीक है, और ये भी पाई एक्स बाय 180, ये x ही। फिर पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय एक्स सी। फिर बाद में जाके लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टू टाइम्स साइंस क्यूब पाई एक्स बाय 180 आ जाएगा फाइनली ऊपर, और नीचे एक्स क्यूब रहेगा, ये 1 प्लस cos ऑफ पाई एक्स बाय 180 है। फिर आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 बार ले लिया, sin क्यूब पाई एक्स बाय 180 अपॉन ये x क्यूब है ना, तो इधर आप क्या करेंगे, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट, 180 बाय पाई क्यूब इनटू पाई एक्स बाय 180 का क्यूब। समझ में आ रही है एडजस्टमेंट? ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नीचे आना चाहिए ना सेम, और एज एक्स टेंड्स टू जीरो पाई एक्स बाय 180 आल्सो टेंड्स टू जीरो इनटू लिमिट पाई एक्स बाय 180 टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180। ये तो ठीक है, वो 2 कॉस 0 ही आएगा ना, तो ये तो 2 ये तो वही आएगा, लेकिन ये जो है ये इसमें देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 इंटू पाई बाय 180 क्यूब आएगा नहीं, ये ऊपर 180 क्यूब बाय पाई क्यूब, देखो a अपॉन b अपॉन c विल बी ac अपॉन b ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, a अपॉन b अपॉन c अलग होता है, a अपॉन b अपॉन a अपॉन b अपॉन c इज a अपॉन bc होता है, और a अपॉन b अपॉन c इज ac अपॉन, हां ये अभी पाई बाय 180 और ये 1 आ जाएगा ना फिर इनटू 1 और इनटू ये भी 1 बाय 2, तो ये 2 2 कैंसिल, ये आंसर क्या आएगा पाई बाय 180 का क्यूब। ये डिग्री ये अलग है यार, x रेडियन में ही दिया है, ऊपर का एंगल डिग्री, हां ये भी अगर डिग्री में रहता तो फिर तो वही आंसर आएगा जो हमने पिछले प्रॉब्लम में लिखा। समझे आपको सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन x क्यूब। अब इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे आप तो वही है, तो आपके लिए हिंट क्या है, sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin ये फॉर्मूला देखो यूज करके शायद आपका काम हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर 3 sin x एज इट इज हां माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, किसकी वैल्यू डाली हमने sin 3x अपॉन x क्यूब बराबर, व्हिच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 आउटसाइड आ गया ना, sin क्यूब x अपॉन x स्टैंडर्ड आ गया ना, 4 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल क्यूब क्यूब, तो 4 इनटू 1 क्यूब 4 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो वही होना है,
एक चीज दिख रही इधर है एक साइन एक्स जरूर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो स्टैंडर्ड में आने वाला है और हमें लिमिट इसको मैं ऐसा ले लूं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन एक्स साइन एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इस एक्स स्क्वायर थीटा तो वो सेक्स स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं हम लोग इसके आगे आप क्या कर सकते हैं जिसमें cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 देखो ट्राई करो क्या आसान हो सकता है चलो ऐसा करते हैं हमें और एक स्टैंडर्ड की याद आ गई देखो ये स्टैंडर्ड देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x भी क्या है 1 है ना ये भी स्टैंडर्ड है हमारे पास तो tan को as it is रखते हैं ऐसा करते हैं लिमिट x के जो 1 minus cos 2x is what 2 sin square x plus tan square x upon x sin x ठीक है अब बहुत आसान हो गया अब ऐसा करते हैं divide numerator and denominator by x square तो क्या होगा लिमिट x tends to 0 2 outside sin square x upon x square directly to get plus limit x tends to 0 tan x upon x square दोनों जगह आएगा और upon इधर x cancel हो जाएगा तो sin x upon x आ जाएगा limit x tends to 0 x step मैंने कम लिया फिर finally ये standard ये 1 square है ना 2 into limit x tends to 0 sin x upon x का स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स ए सॉरी इधर टैन स्क्वायर है वो टैन स्क्वायर है सॉरी हां लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टैन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन लिमिट टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 3 का आंसर तो ये 2 इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 तो 3 आंसर ठीक है पाई पहली बात तो 0 नहीं है दूसरी बात अंडर रूट है मतलब रैशनलाइजेशन से डायरेक्ट लिमिट पुट किया था यार cos pi 1 0 आएगा तो cos pi की वैल्यू 1 सॉरी माइनस 1 है cos pi माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 मतलब वो 2 हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 0 हो जाएगा और नीचे sin pi 0 है तो 0 बाय 0 आ रहा है तो हम लोग को एक बार रैशनलाइजेशन करके देखना है लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट ऑफ 1 माइनस cos x माइनस रूट टू इनटू व्हाट वन माइनस कॉस एक्स प्लस रूट टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू वन इनटू रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स प्लस रूट टू तो ये आ गया वन माइनस कॉस एक्स माइनस टू ऑन साइन स्क्वायर एक्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स टेंस टू पाई यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस कॉस एक्स माइनस टू मतलब आ जाएगा माइनस वन माइनस कॉस एक्स ठीक है साइन स्क्वायर एक्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स प्लस रूट टू स्टैंडर्ड के तरफ जाने की जरूरत है एक सेकंड का डायरेक्ट लिमिट अगर हम लोग पुट करते हैं देखो हाँ एक कर सकते हैं ये आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है अब इसमें से भी फैक्टर्स गिर जाएंगे तो क्या
क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x प्लस रूट, तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस cos x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x प्लस रूट 2 माइनस 1 भी हां माइनस, सो लिमिट, अब लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो माइनस 1 अपॉन ये माइनस 1 है माइनस माइनस प्लस प्लस ये आ गया 2 है ना cos pi माइनस 1 है 2 और इधर भी रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 ठीक है ना तो माइनस 1 अपॉन ये 2 रूट 2 मतलब 4 रूट 2 ऐसा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 रूट ऑफ 3 प्लस साइन x माइनस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x देखो इसको भी हिंट क्या है रैशनलाइजेशन कैंसिलेशन